सतना में घर के बाहर चारपाई पर सो रहे युवक को अगवा कर हाथ पैर बांध कर लाठी डंडे से बेरहमी पूर्वक पीटा गया। परिवार के सदस्यों के द्वारा किसी तरीके से युवक को बचाया गया। युवक का हाथ पैर बांध कर वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने पर मामला पुलिस के संज्ञान में आया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सिंहपुर पुलिस ने 4 आरोपियों पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। अस्पताल में भर्ती संत कुमार पांडे निवासी बंटी थाना सिंहपुर ने बताया कि वो घर के बाहर चारपाई पर सो रहा था। इसी दौरान कुछ लोग आए और सिर पर गमछा डालकर अगवा कर ले गए। अगवा करने के बाद अपने घर ले जाकर हाथ पैर बांध कर लाठी डंडे से बेरहमी से मारपीट की। पीड़ित शख्स लगातार चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन आरोपी पीटते रहे। घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी शंकर यादव, संतोष पाल, बड़ा बेटा पाल और राज भान पाल के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस के द्वारा संभावित जगहों पर छापेमारी की जा रही है। कल की रात में लाइट चली गई तो मैं खटिया निकाल के बाहर मेरे द्वारे मैदान वहाँ पड़ा था तो शंकर विवाद आज काफी देर से हमारा कई साल पहले से पुराना विवाद है। उनके घर से यादव समाज से लड़ाई तो वहाँ पड़े थे, ताक धाक में रहते थे। मैं सोचा कोई नहीं आएगा, पड़ा रहा, लाइट आ जाएगी, अंदर चला जाऊँगा। 4 लोग आए, सीधे पकड़ के एक जन मुझे टोलियाँ लगा लिए, दो हाथ पकड़ लिए, उठा के मुझको 12:30-1 बजे रात अपने घर ले गए। मेरे लड़के बच्चे सब भीतर पड़े, घर ले गए, फिर उसको बांध दिया रस्सी में, बहुत मारे पीटे, मेरे साथ कान का पर्दा फाड़ दिए, पीछे मारे, हुंसा हुंसा मुगल के दीवार मारे, सब मारे। बोले हम बटल करते हैं, गंदी गंदी गाली गलौज दिए। बोले यदि अपने पिताजी वाले पकड़ मार, जो गवाह थी वो गवाह तुम नहीं पलटोगे तो तुमको जान से मार दूंगा। सही तरह लेके गए आपको, लेके गए? हाँ। उनका नाम पता कुछ मालूम? उनका नाम शंकर यादव और संतोष गड़ारी, राज भान गड़ारी, बड़ा बेटा गड़ारी और एक और था। क्या पता नहीं, जब पुरानी रंजस रही होगी तो ये 4-5 लोग आके, 4 लोग आके अपहरण करके ले गए। मुझको 3:30-3 बजे पता चलता है तो मैं 5-6 लोगों को लेके जाता हूँ फलाने, वहाँ उसके यहाँ आवाज़ आ रही है, बांधे हैं, काटते हैं। तो हम लोग 5-6 लोग गए हैं, फिर छुड़वाए हैं, छुड़ा के घर लाए हैं, घर से थाने लाए हैं, तो FIR दर्ज सिंहपुर थाना में दर्ज करवाया। इसके बाद पश्चात नगाँव हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, वहाँ से रिफर करवाने के बाद सतना हॉस्पिटल में एडमिट।